वैकुंठ चतुर्दशी पर। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी जो हो उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें, उसी पत्ते की काली मिर्ची थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है बीमारी है उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे, ठीक है से पधारे। तो भगवान विष्णु बोले, काशी आने का कारण केवल इतना है कि वैकुंठ में मन नहीं लग रहा, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले, मिलने भी ऐसे से आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। माँ जगज्जननी जगदम्बा कह कहकर परेशान हो जाती, तभी भी तो नेत्र ना खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी ने। ओ भगवान विष्णु बोले, देखो पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई शाम कब गई मालूम नहीं पड़ा, मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, तुम दीप ले। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई। शिव इसलिए आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है, कब का है, मध्य रात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्य रात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए, तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया, भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरि हर मिलन कर, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि हर मिलन। जी शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, गुरु जी ने वैकुंठ चतुर्थी का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। ये उपाय आपको आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है उसके लिए करना है। 14 दीपक का यह उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आप ये उपाय करने के बाद शहद से लगा हुआ पीपल का पत्ता अगर आप बीमार व्यक्ति को चटा देते हैं, उसको खिला देते हैं, तो अवश्य उसकी बीमारी में दवाई लगना प्रारंभ हो जाता है। यह चतुर्थी साल में सिर्फ एक बार आती है, तो आपके घर में भी अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।